काम तो लगभग हो ही चुका है, अब जाके थोड़ा आराम करके आती हूँ। अब किसका हेलो शर्मा भाभी। अरे हाँ, कैसी हो आप? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, पार्टी है ना? ठीक है, मैं बाकी सब भाभियों को भी कॉन्फ्रेंस कॉल करके बता दूँगी। अच्छा, आप कौन ड्रेस पहनने वाली हो? ठीक है, चलो मैं भी अपनी ड्रेस की तैयारी कर लेती हूँ और उन्हें कॉन्फ्रेंस कॉल से बता देती हूँ। हाँ चलो, अब उन्हें फ़ोन करती हूँ सबसे पहले, वरना उससे पहले मैं अपनी ड्रेस निकाल के रखती हूँ, वरना फिर से लेट हो जाऊँगी मैं। चलो, अब ड्रेस की भी तैयारी कर ली, सब कुछ हो गया। अभी सारी बाकी की भाभियों को भी मैं फ़ोन करके बता ही देती हूँ। अब हाँ चलो। अरे हाय सुमा भाभी, पर अब कहाँ यार, मुझे पार्टी को आना पड़ा यार। अच्छी खासी सी नींद आई हुई थी घर पे। अरे हाँ हाँ रोशनी भाभी, अरे रोशनी भाभी वो क्या है ना, आज मैं जरा जल्दी चली जाऊँगी। वो क्या है ना, क्योंकि मेरे घर पे कल रात को मेहमान आए थे ना, तो इसलिए उनके लिए ढेर सारा खाना बनाना था। बर्तन तो वैसे ही पड़े हुए हैं ना, इतना सारा काम भी है, क्योंकि वो काम वाले तो कुछ आए नहीं है, घर का पोछा भी बना। अरे यार छोड़ ना अब सुमन भाभी, काम तो बाद में देख लेना, पर अब पार्टी को आए तो थोड़ा तो मज़ा कर लेना। ठीक है भाई, काम कर कर थोड़ी देर बात कर ले, अभी तो मज़ा कर ले। पार्टी जो है मिल चुका मिला, और देखो तो इसके फिटिंग प्रतिशत कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। क्या 2000 में तो मैं 5-6 ड्रेस ऐसे ही खरीद लूँगी सेल से। मैं तो हमेशा ड्रेस सेल से ही खरीदती हूँ, और इतना सारा अच्छा अच्छा खाना जो बना हुआ है, मेरे तो मुँह से पानी निकल रहा। और हाँ, पार्टी खत्म होने के बाद काफ़ी खाना बच जाएगा ना, बेचना चाहे इसकी तरह बस इस डब्बे में पैक करके दे देना। पार्टी शुरू नहीं हुई, पर इसका सब कुछ शुरू हो गया। अब इसे डब्बा भी के दो। अरे रोशनी भाभी, आपको पता है क्या, आप मेरी जो ड्रेस देख रही हैं ना, ये ड्रेस तो मेरे भाई ने मुझे स्पेशली रक्षाबंधन के दिन लंदन से गिफ्ट किया। साथ ही साथ इसकी जो फ्रिल्स और कपड़े की जो क्वालिटी है ना, वो तो एकदम परफेक्ट है। और साथ ही साथ मेरे ये सैंडल्स तो अच्छे कंपनी और अच्छे ब्रांड की भी है, और ये काफ़ी यानी कम्फर्टेबल भी है मेरे लिए तो। और साथ ही साथ आप जो ये पोज देखते हो ना, ये पोज तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके मिडल का जो डायमंड है ना, वो रियल डायमंड है, और ये भी मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की थी। साथ ही साथ इसकी गुड क्वालिटी तो सबसे बेस्ट है, और ये मेरे आपको तो पता ही है कि मेरे बच्चे और मैं करते हैं। अरे तुझे पता है क्या रोशनी, वो रहता है ना, उसने कल वो एक नई साड़ी क्या पहन
अरे क्या एग्जिट है, एग्जिट है यार। अरे हाँ सॉरी सॉरी, तो एक्चुअली एग्जिट है, मैंने गलती से इंट्रो बोल दिया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आना तो चाहिए ही क्योंकि अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, एक प्रकार की मैं सोने के लिए बहाना वाली बहू बन चुकी हूँ, अब बहू नहीं यानी भाभी। तो मैं अभी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ ये सब कुछ करके, तो इसलिए अब मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, तो इसलिए आपको इस वीडियो को एडवाइस करना बिल्कुल ना भूलेगा। इस वीडियो को एटलीस्ट 200 लाइक्स तक जरूर पहुँचाएगा। फ्रेंड्स स्टे होम स्टे सेफ, बाय, मैं सोने जाती हूँ।